आपको समझ में आया? मैं वापस बताती हूँ कि मेटल को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्यों बोलते हैं और मेटल क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं। तो ये कंसेप्ट देखो क्लियर करती हूँ मैं। इसके पहले ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, आप लाइक बटन क्लिक कर दो और फटाफट इस चैनल को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर पसंद आए तो जरूर 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट अवर दिस क्लास विद दिस कॉन्सेप्ट कि मेटल और नॉन मेटल्स कौन लूज करते हैं कौन गेन करते हैं। तो देखो मैं कुछ मेटल के नाम लिखती हूँ और कुछ नॉन मेटल्स के नाम लिखती हूँ। मेटल का एग्जांपल चलो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चार मेटल का नाम लिख लिया। नॉन मेटल कोई भी बोल दो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ओके तो हम लोग सबसे पहले सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम सबका एटॉमिक नंबर आपको जानना पड़ेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पोटेशियम इज 19, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 12। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 11 मींस 2 8 1, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, के एल एम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ जिसके लास्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी क्या टेंडेंसी होगी उस एलिमेंट में, उस एलिमेंट की क्या टेंडेंसी, एलिमेंट सबके एलिमेंट की क्या टेंडेंसी होती है टू बिकम ऑक्टेट। सबको ऑक्टेट बनने के लिए सब लोग चाहते हैं कि सब ऑक्टेट बन जाए या डुप्लेट बन जाए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे। तो सोडियम क्या सोच रहा है कि वो ऑक्टेट बनना चाह रहा है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट बन सकता है या वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट बन सकता है। तो विच इज मोर इजियर फॉर सोडियम, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप राउंड ऑफ करते हो तो 3.7 को आप राउंड ऑफ करके क्या लिखते हो 4, और अगर 3.2 है तो आप राउंड ऑफ करके 3 लिखते हो। तो यहाँ पे वैसे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको लूज करेंगे ना, तो सोडियम में लूज इलेक्ट्रॉन, ओके क्योंकि उसके लिए वो आसान है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम क्या होगा, सोडियम माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब सोडियम था न्यूट्रल, ठीक है न्यूट्रल था क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों 11 11 थे, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 11 से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए अब तो, लेकिन प्रोटॉन तो 11 है, यानी इसमें अब चार्ज आ गया +1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो इसमें चार्ज एक पॉजिटिव आ गया। तो अब समझ में आई बात कि क्यों ये लूज किया, क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस का अचीव करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना मोर इजियर था, और लूज करेगा तो वो इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसी वे में मैं पोटेशियम का करती हूँ, पोटेशियम होगा 2 8 8 1, अगेन इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान रहेगा, ठीक है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो पोटेशियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी बन जाएगा के प्लस पॉजिटिव आयन, कैटायन बन जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएगा। कैल्शियम भी वैसा 2 8 8 2, ये देखिए इसमें भी अगर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बहुत एनर्जी लगेगी उसको, इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन लूज करने में एनर्जी रिक्वायर होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो कैल्शियम क्या करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम +2, इसकी वैलेंसी इसलिए +2 इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम भी सिमिलरली वैसे 2 8 2, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Mg, -2 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म Mg2+। तो गॉट इट, गॉट माय पॉइंट कि क्यों इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं मेटल्स, क्लियर?
कमेंट जरूर करना अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं तो। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो नॉन मेटल। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले इसका 8 एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन 7, सल्फर 16। ऑक्सीजन 8 मींस 2.6, 7 मींस 2.5, 16 मींस 2.8, 2.8, 6। अब बताओ नियरेस्ट नोबल गैस यानी ऑक्टेट बनने के लिए ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मोर इजी रादर देन लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा। अब यहाँ पे न्यूट्रल था क्योंकि इसके पास 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो प्रोटॉन तो 8 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो O2 माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया देन प्रोटॉन। इट इज नॉट न्यूट्रल नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मोर एंड व्हेन प्रोटॉन इज मोर इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड देयर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ओके गॉट माय पॉइंट। नाउ नाइट्रोजन इट इज 5 इलेक्ट्रॉन, हाउ मच इट रिक्वायर टू बिकम नियरेस्ट नोबल गैस, इट रिक्वायर 3 मोर इलेक्ट्रॉन, सो नाइट्रोजन विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम N3 माइनस। आ रही है समझ में? हाँ थोड़ा एनर्जी ला के बताओ मुझे समझ में आ रही है कि नहीं, कि आप लोगों के डाउट क्लियर हो रहे हैं। ये बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, सल्फर भी वैसा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा S2 माइनस। तो सारे नॉन मेटल इसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सो दे आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर एंड दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे फॉर्म एनायन एंड दे आर कैटायंस। ओके सो आवर डाउट क्लियर हो गया आपका, छोटा सा वीडियो फॉर योर डाउट सेशन। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में रेडी रहिए लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप लाइकिंग माई चैनल्स एंड माई वीडियोज। थैंक यू।